हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। रश्मि फूड हाउस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान से इस सावन सोमवार लौकी के हलवा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है और ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए करते हैं बनाना स्टार्ट। यहाँ पर हमने एक नॉन स्टिक कढ़ाई ले ली है और गैस को ऑन कर लिया है। तो अब यहाँ पर डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। घी आप अपने आवश्यकता के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैं यहाँ 2 ही चम्मच लूँगी। और अच्छे से इसे मेल्ट हो जाने देंगे। मेल्ट हो चुका है तो यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपने मनपसंद के अनुसार ले सकते हैं। तो हम थोड़ा इसे रोस्ट कर लेंगे। तो हमने इसे निकाल लिया है प्लेट पर। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ये किशमिश लिए हैं, इसे भी रोस्ट कर लूँगी। किशमिश को हमें बाद में रोस्ट करना है क्योंकि किशमिश बहुत ही जल्दी भुज जाती है। तो ये देखिए, किशमिश भी हमारी भुज गई है तो हम इसे भी निकाल लेंगे प्लेट पर। तो अब हम यहाँ पर डालेंगे लौकी। मैंने यहाँ पर 1/2 किलो लौकी को किस लिया है और उसका पानी अच्छी तरीके से निकाल दिया है। तो इस तरीके से मैं डाल दूँगी और इसे भी चला लेंगे हम, और इसे हमें पकने तक भूनना है। तो ये देखिए, सारी लौकी को मैंने इस पर डाल दिया है। गैस को हम तेज़ ही रखेंगे अभी, क्योंकि लौकी हमारे पकने पर पानी छोड़ती है। तो हमें लौकी को तब तक पकाना है जब तक कि अच्छी तरीके से पक नहीं जाती है, क्योंकि हम लौकी का हलवा बना रहे हैं। तो लौकी जितनी अच्छी पकेगी, हलवा उतना ही अच्छा स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए, अब हम इसे ढक्कन बंद करके 10 मिनट के लिए पका लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, 10 मिनट हो चुके हैं और लौकी हमारी अच्छी तरीके से पक कर के तैयार हो गई है। हलवा बनाते समय आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि लौकी आपकी ताज़ी होनी चाहिए, तो उससे हलवा बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। तो लौकी हमारी भुज चुकी है तो अब हम इस पर डाल देंगे दूध। यहाँ पर मैंने दूध भी 1/2 लीटर ही डाला है ताकि हमारा हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने। तो ये देखिए, मैंने दूध इस पर इस तरीके से डाल दिया है और यहीं पर मैं डाल रही हूँ 1 बड़े कप में शक्कर। मीठा आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए, सारी चीज़ें इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। तो अब हमें तब तक पकाना है जब तक कि हमारा जो हमने इस पर दूध और शक्कर डाला है बिल्कुल मावा जैसे ना हो जाए अच्छे से। तो ये देखिए, अब हम फिर से इसे ढक करके पका लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हलवा हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो गया है। इसमें शक्कर और दूध बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है। ये देखिए, आप देख सकते हैं हल्का अभी ये थोड़ा सा रसीला है, इसे भी हम अच्छी तरीके से ड्राई कर लेंगे। और या फिर आप चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें ग्रीन कलर का फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, उससे ये देखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। पर मैं यहाँ पर नहीं ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए, कितना बेहतरीन हमारा ये लौकी का हलवा बनकर तैयार हुआ है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये नारियल का बुरादा डाल दूँगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो डालिए वरना मत डालिए। और इसे भी अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। और मैंने जो ड्राई फ्रूट तल के निकाले थे उसे मैंने काट लिए हैं बारीक, तो उसे भी मैं इस पर डाल दूँगी। ये देखिए, और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो अब हलवा हमारा बिल्कुल बनकर तैयार है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं किसी बाउल पर। तो देखिए फ्रेंड, बनकर तैयार है हमारा ये लौकी का हलवा। तो मैंने इसे व्रत के हिसाब से बनाया है। तो इस सावन सोमवार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसे और डेकोरेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने नारियल का बुरादा लिया है, ये देखिए, और यहीं पे मैं अब लूँगी ये ड्राई फ्रूट्स कुछ, उसे भी इस तरीके से इस पर डाल दूँगी। ये देखिए, तो आई होप कि मेरी आज की ये रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही आसान सी वीडियो लेकर आती रहूँगी। मैं मिलती हूँ आपको अब नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।